गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज के पहले की क्लासेस में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इमेज फॉर्मेशन, स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन, इन सभी टॉपिकों पे चर्चा कर ली। आज की क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला से जुड़े उन सभी टाइप के सवालों को डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आप सभी का स्वागत है एशिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की दूरी, इन तीनों के बीच का एक रिलेशन होता है। अगर आप स्क्रीन पर फॉर्मूला देखो तो आपको स्क्रीन पर फॉर्मूला दिख रहा होगा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू। अगर आप इस फॉर्मूले में नोटिस करिए तो आपको लगेगा कि ये जो फॉर्मूला है ये वन अपॉन एफ मतलब फोकस दूरी, वन अपॉन यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब वस्तु की दूरी, और वन अपॉन वी मतलब प्रतिबिंब और इमेज की दूरी, इन तीनों का एक रिलेशन है। चलिए, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा किया था कॉन्वेक्स और कॉनकेव के फोकल लेंथ के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। थोड़ा एक बात और याद रखिएगा कि जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स के लास्ट में क्या रहा, एक्स, और एक्स जो सिंबल है वो कुछ ना कुछ प्लस की तरह लगता है ना, इसका मतलब जो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है वो क्या है, प्लस। और प्लस है तो कहाँ होती है, प्लस कहाँ होता है, राइट साइड में होता है हमारे ना। और कॉनकेव, कॉनकेव में क्या हो गया, अगर एक प्लस हो गया तो दूसरा क्या हो गया, माइनस। तो ये है माइनस। तो जब भी आप फॉर्मूला का यूज करते हुए किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो उस क्वेश्चन में अगर आप वैल्यू पुट कर रहे होगे तो आप वहां पर प्लस और माइनस का ध्यान रखोगे, तभी आपका सही आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट से जो इमेज फॉर्म हुई है वो कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी है। तो रेशियो होता है ये, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है, उसे हम लोग मैग्निफिकेशन नाम देते हैं। ये रेशियो, आप इस रेशियो को इक्वल कर सकते हो किसके, वी अपॉन यू के भी। वी अपॉन यू क्या है आपका, वी अपॉन यू है पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, तो इससे आप इक्वल कर सकते हो माइनस में वी अपॉन यू के। चलिए, अब मैग्निफिकेशन से आप बहुत सारी बातें समझ सकते हैं, बहुत सारी बातें इमेज से रिलेटेड आप मैग्निफिकेशन के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर एम पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है वर्चुअल इमेज का। ये किसका केस है, वर्चुअल इमेज का केस। और अगर एम नेगेटिव है तो ये किसका केस है, ये है आपका रियल इमेज का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि m की और भी बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। मान लीजिए अगर m इज इक्वल टू वन, m अगर इज इक्वल टू वन है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वन है, अतः जो हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की हाइट है, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। दूसरा, m इज ग्रेटर देन वन, अगर m का मान एक से बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी एक से बड़ा होगा, इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज बनेगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तीसरी बात, अगर m एक से छोटा है, m इज लेस देन वन, तो हाइट ऑफ इमेज ओवर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल आल्सो लेस देन वन, इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज बनेगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। सोचो अगर मैं आपसे एक कंडीशन देता हूं, नोट पॉइंट, अगर m की वैल्यू है लेस देन वन और पॉजिटिव है, मतलब m की वैल्यू मैं बोल दे रहा हूँ 0.9 और ये पॉजिटिव, और मैं ये पूछ लूँ आपसे ये किस लेंस, सॉरी किस मिरर के लिए होगा, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा।
और छोटी कर देते हैं वैल्यू, इसे कर देते हैं 0.2। तो ये किसके लिए होगा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल, और अगर एक से छोटा है मतलब जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, तो ये हो रही है स्मॉलर इमेज हो रही है, और एक से क्या है छोटा है तो स्मॉलर हो गई, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। तो छोटी और वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? स्मॉलर और वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो स्मॉलर और वर्चुअल इमेज बनाता है, नहीं तो कॉनकेव तो लार्जर वर्चुअल बनाता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, साइन कन्वेंशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका मिरर है और ये है आपका पोल पॉइंट। तो साइन कन्वेंशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिरर के पोल से लेफ्ट और राइट को हम मेजर करते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और नीचे की दूरी को हम मेजर करते हैं। तो अगर हम लोग पोल से लेफ्ट में जाएंगे तो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, देखिए डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट इज नेगेटिव, और अगर राइट साइड में जाएंगे डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव। मतलब सोचिए अगर हमने ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया तो यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर आपको याद हो रियल इमेजेस जो बन रही थी वो मिरर के लेफ्ट साइड में ही बन रही थी, तो रियल इमेजेस के लिए वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। लेकिन वर्चुअल इमेज कहाँ बन रहा था? मिरर के अंदर, मिरर के राइट साइड में बन रहा था, तो वर्चुअल इमेज के लिए वी की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर मिरर कॉनकेव है तो फोकस होता था उसका लेफ्ट साइड में, या रेडियस होता था उसका लेफ्ट साइड में, तो वो दोनों हो जाते थे नेगेटिव। ये किसके लिए है? कॉनकेव के लिए, सी वी के लिए। और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? पॉजिटिव। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए इस चीज को थोड़ा सा और एक टेबल के टाइप में समझ लेते हैं तो कुछ और बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम लोग बना लेते हैं यू वी और एफ, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ है वो है पॉजिटिव। दोनों के लिए ही U हम हमेशा नेगेटिव रखेंगे। अगर हम V मतलब पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो कॉन्वेक्स के लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉनकेव के लिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। नेगेटिव कब होगा? जब इमेज रियल होगी, रियल इमेज। और पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल। इस बात को आप अपने किसी डायरी या फिर आप अपने नोटबुक में बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये टॉपिक बहुत ही हेल्प करने वाला है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो टेबल है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चंस को समझने में और उनको सॉल्व करने में। चलिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की हैं टॉपिक से रिलेटेड या फिर इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको सारी बातें समझ में आई। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। मैं आपको आज कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर का। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि गिवन है हमारे लिए कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर को बनाया गया इज मेट बाय कटिंग अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द फोकल लेंथ, हमसे फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसे मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ इज एक्चुअली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 तो डिवाइड कर दीजिए 2 से और फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, बहुत ही छोटा सा सवाल। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 इज सेइंग अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले गिवन में किसकी बात की जा रही है? तो गिवन में बात की जा रही है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने दे दिया है हाइट ऑफ क्या है इस प्लेस्ड, सो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मिलीमीटर। चलिए दूसरी बात, अ 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल्पिन इज फाउंड, हाइट ऑफ इमेज इज 5 मिलीमीटर।
चलो अब मुझे आप बताओ, ये जो इमेज बनी है ये रियल है कि वर्चुअल? डायरेक्टली बताओ, मुझे नहीं पता कि क्या हो सकती है क्या नहीं, आप मुझे बताओ रियल की वर्चुअल? निश्चित रूप से ये रियल होगी क्योंकि ये छोटी है, कॉनकेव में अगर छोटी इमेज बन रही है तो वो 100% रियल इमेज है, अगर बड़ी है तो वो हमेशा वर्चुअल। तो अगर रियल है तो आपको किसी एक वैल्यू को या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव पुट करना होगा, तो हाइट ऑफ इमेज को आप पुट कर दो नेगेटिव। चलिए आगे बात करते हैं। इस फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर, मतलब आपको वी की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर दी, और अगर रियल इमेज है तो वी को आप कैसा पुट करोगे? नेगेटिव पुट करोगे। फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो हमें एफ की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड। ये सब हमसे पूछ लिया। चलिए यहाँ पर एक हिंट यूज करेंगे हम लोग। देखिए फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v या फिर 1/v + 1/u। हमें v की वैल्यू तो पता है लेकिन u का मान नहीं पता है। तो अगर u का मान नहीं पता तो चलिए सबसे पहले u के लिए ट्राई करते हैं। तो एक हिंट यूज करेंगे हम फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। तो हिंट फॉर्मूला है आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज -v/u, और ये था m का। चलिए m को जो है यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हमें पता है -5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 इज इक्वल टू, जो माइनस वी की वैल्यू है आपकी -30 डिवाइडेड बाय यू की वैल्यू हमें नहीं पता। चलिए यहाँ से यू देखिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, इस साइन और इस साइन को आप कैंसिल कर दीजिए सबसे पहले, और ये आपका आ जाएगा 5u = 30 × 10। U की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 × 10 / 5, और माइनस साइन को हम ना भूलें, माइनस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, आप 10 आपको मिल जाएगा 2, तो U की वैल्यू आपको मिल जाएगी -60 सेंटीमीटर। देखिए ये अपने आप माइनस आया है, और मैंने आपको बताया था कि U का मान हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। तो अगर आप साइन को सही से रखोगे तो आपको सही चीजें मिलेंगी, नहीं तो आप एक गलत मान को प्राप्त करोगे। चलो अब आपके पास v की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है -60 सेंटीमीटर। फोकस निकाल लेते हैं, 1/f = 1/u + 1/v। अगर दोनों माइनस है तो ये आ जाएगा -1/30 - 1/60 ना। अब देखिए 30 को 60 कैसे बनाएंगे, तो -1 × 2 / 30 × 2 -1/60, तो आपको ये मिल जाएगा -2 - 1/60, दोनों का मान सेम हो जाएगा, और ये है आपका 1/f। तो 1/f का मान आपको कितना मिल जाएगा? -3/60। अगर आप इसे उल्टा करोगे मतलब f का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 60/3 और माइनस साइन, तो आप कहीं भी लिखो 3 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 20, तो f की वैल्यू आपको मिल गई -20 सेंटीमीटर। देखिए फिर से हमारा आंसर प्रूव्ड है क्योंकि हमें पता है कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस होती है वो हमेशा कैसी होती है? माइनस होती है, तो हमें माइनस में आंसर मिला है। तो अगर आप सभी चीजों को अच्छे से समझे हो तो आपको एक प्रूव्ड आंसर एग्जाम में मिलेगा जिसमें आपको किसी भी बात की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर कह रहा है हमसे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। फिर से बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, और क्या क्या गिवन है चलिए उन पे चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है मतलब यू की वैल्यू -20 हमसे दी हुई है। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। अगर रियल इमेज है तो मैंने आपको बताया वी की वैल्यू भी आप क्या रखेंगे? नेगेटिव ही रखेंगे, तो वी की वैल्यू -60 हो जाएगी। फाइंड आउट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है। तो फिर छोटा सा फॉर्मूला है आपके पास ना, की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका? 1/f = 1/u + 1/v। फिर से वही चीज कर देना है आपको, 1/f = -1/20 और -1/60। चलिए 1/f = अब आप एलसीएम लेंगे तो फिर से आपको एलसीएम 60 मिल जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा -3 और -1। 1/f = ये आ जाएगा -4/60 और f की वैल्यू आपकी हो जाएगी 60/4 विद द माइनस, तो f का मान आपको मिल जाएगा -15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। देखिए फिर से ये माइनस आ गया अपने आप। तो अगर आप साइन कन्वेंशन का रूल अच्छे से करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा सही आंसर मिलेगा, माइनस और प्लस प्रूफ होता हुआ मिलेगा। और अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी साइन कन्वेंशन को लगाने में तो
आप चूक जाओगे और आप निश्चित रूप से बहुत ही संभावना है कि गलत आंसर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यह हमसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू आपसे कितनी बोली गई है 10 सेंटीमीटर। यू हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव रख दीजिए। फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा अब बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर ना, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होगी वो प्लस की माइनस, बिल्कुल सही प्लस होगी क्योंकि कॉन्वेक्स के लास्ट में है एक्स और एक्स साइन होता है प्लस की तरह ना, तो हमने इसे प्लस रखा। क्या निकालना है, नेचर और पोजिशन, मतलब वी आपको बताना है और नेचर। नेचर तो मुझे लगता है अगर आपको ये कोड याद है SUV, तो जो लास्ट का लेटर है वर्चुअल, इससे आप बता सकते हो कि ये कैसे नेचर का होगा, वर्चुअल इमेज। चलिए v की वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं, 1/f = 1/v + 1/u या फिर 1/u + 1/v ये फॉर्मूला। तो 1/f - 1/u आप लिख सकते हो ना, इसे लिख सकते हो 1/f - 1/u = 1/v। थोड़ा सा मुझे लगता है ये चीजें यहाँ पर आपको नहीं दिख रही अच्छे से, मैं थोड़ा सा इसे यहाँ लिख देता हूँ, 1/f = 1/v + 1/u + 1/v और ये आपके हो जाएगा 1/f - 1/u = 1/v। तो 1/v की जो आपको वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 1/f - 1/u। 1/f की जगह आप रख देंगे 1/15 माइनस और ये हो जाएगा 1/-10। तो 1/v और ये है आपका 1/15 प्लस ऑफ 1/10 बन जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 30, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3। ये है 1/v। आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 5/30 जिसे आप लिख सकते हैं 1/6। तो v की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 6 सेंटीमीटर। देखिए अब आपको पता है जो कॉन्वेक्स है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसलिए v हमारा जो आया है वो कैसा आया है, v आया है हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड में बन रहा है और राइट साइड में जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इसकी पोजीशन कहाँ पे है वो है 6 सेंटीमीटर मिरर से। चलिए एक आखिरी सवाल ट्राई करते हैं आज की क्लास के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो जो फोकस आपको दिवन है वो है माइनस ऑफ 8 सेंटीमीटर क्योंकि हमारे पास कॉनकेव। फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, तो जो इमेज बन रही इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है ध्यान रखिएगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो ट्वाइस है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये रियल इमेज है तो एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं माइनस ऑफ 2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए वेयर इज द इमेज फॉर्म, तो हमें इमेज की पोजीशन बताना है, मतलब हमें v बताना है ना। चलो तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, m = height of image upon height of object = -v/u ना। हाइट ऑफ इमेज आपका क्या है, -2 height of object / height of object = -v/u। तो माइनस ने माइनस को मारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मारा और आपको मिल गया 2 = v/u। यहां से आपको u की वैल्यू मिल जाएगी v/2। क्यों हम u की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें v का मान निकालना है। तो जो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, u की जगह पर v रख दोगे। तो ये हो गया 1/f = 1/v + 1/v/2। ये जो 2 है ये आपका कहां चला जाएगा, ऑन द टॉप। तो ये हो जाएगा 1/f = 1/v + 2/v। चलिए आगे की चर्चाएं करते हैं। तो ये हो गया 1/f = 1/v + 2/v, जिसे आप सिंपली लिख सकते हैं 3/v। अब आपको f की वैल्यू कितनी है, 1/8 माइनस 8 क्योंकि कॉनकेव है और यह है 3/v। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v की वैल्यू आपको मिल जाएगी -8 × 3 और v की वैल्यू हो जाएगी -24 सेंटीमीटर। मतलब आप देखो अगर हमने साइन कन्वेंशन सही रूप से लगाया है तो हमें सही आंसर मिलेगा। अगर u आप निकालना चाहते हो तो u क्या था, v/2 था, तो u की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, -12 सेंटीमीटर।
हालांकि ये चीज आपसे पूछी नहीं गई थी, ये हमने एक्स्ट्रा में निकाली है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं आपको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। यहां पर हमारा मिरर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंस पर चर्चाएं करेंगे। मुझे लगता है कि आप क्लासेस समझ रहे होंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां बहुत ही सहज और सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाए। अगर आप स्क्रीन पर ऊपर देख रहे होंगे तो आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। यदि आप किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपना फ्यूचर सोच रहे हैं, तो उस फील्ड में जाने के लिए आपको किन किन क्षेत्रों में किन किन सब्जेक्टों का चुनाव करना होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके जवाबों को बहुत ही जल्द देने के लिए प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी सारी बातों से सहमत होंगे और सारी चीजें समझ रहे होंगे। आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।